हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 30 एंड दिस वर्कशीट फॉर 18th of September 2021। सो डियर स्टूडेंट वी हैव अ ग्रामर सेक्शंस, सो टुडे वी विल डिस्कस रिपोर्टेड स्पीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच इज हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और वॉट वी से, यानी रिपोर्टेड स्पीच के थ्रू हम दूसरे पीपल को हम कन्वे करते हैं और वो क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, ये बातें होती हैं। यानी आप किसी को डायरेक्ट कह सकते हैं, जैसे टीचर ने कहा, जैसे द टीचर सैड टू अनु, टीचर ने अनु से कहा यू आर ए गुड स्टूडेंट, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल द टीचर टोल्ड अनु, टीचर अनु को बताई अनु डैट सी वॉज ए गुड स्टूडेंट, टीचर ने अनु को बताई कि वो अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो ये स्पीच जो होता है ना डियर स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच, राइट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, तो ये एग्जैक्टली होता है जो आप अपनी आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, राइट। सपोज डैट ये आपका जो है ना फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ये इन्होंने बोला मैं स्कूल गया, ये डायरेक्ट हो गया, इसने कहा हाँ ठीक है, और इन्होंने इसे बोला कि इसको बोल देना मैं स्कूल नहीं गया, तो ये बोलेगा जो ये कल स्कूल क्यों नहीं गया, ये रीज़न वगैरह भी इसे बता देगा, ठीक है थोड़ा। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, दो तरह का रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कोटिंग द एक्सटैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है स्पीकर का उसको कोट करते हैं। इट अप्लाई अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क्स, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर, जैसे देखिए द टीचर सैड टू अनु, टीचर अनु को बताता है, ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये कोटेशन मार्क्स हमने यूज किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, तो ये कोटेशन मार्क्स हो गया, यानी कोट के अंदर होती है ये बातें, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच यानी किसी को एज इट इज़ हम डायरेक्ट, जैसे उसने कहा आप स्कूल गए, उसने मैंने कहा हाँ हमने स्कूल गए, बस ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कहते मैं स्कूल आज नहीं गया, बहुत सारे कारण हैं क्यों नहीं गया, ये रीज़न सब बताएंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच होता है रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सैड इन टू वर्ड्स, यानी रिपोर्टिंग ऑफ वॉट द स्पीकर सैड इन ओन वर्ड्स, यानी स्पीकर अपने शब्द में कुछ ऐड करके बोलता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, डज नॉट यूज कोटेशन मार्क्स, और जिसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होता वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। सो वी हैव सम रूल्स डियर स्टूडेंट, सो टूडे वी विल डिस्कस द रूल, सम रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट सिंपल जो है ना पास्ट सिंपल में बस चेंज हो कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ये सारे, ठीक है। तो आप सभी को टेंस पता है सब्जेक्ट प्लस, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट सिंपल में बदल जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसी तरह ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब देखिए सिंपल पास्ट सिंपल एंड कंटिन्यूस चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देयर इज़ नो चेंज फॉर द पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में अगर ऑलरेडी है सेंटेंस तो कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी है तो, राइट। मॉडल वर्ब समटाइम्स चेंज, यानी मॉडल वर्ब जो है ना वो चेंज होता है, जैसे विल वुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड से में, मे माइट में, और मस्ट हैड टू में चेंज हो जाता है, राइट, ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। टाइम एक्सप्रेशन गेट चेंज्ड टुडे, यानी टाइम एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जैसे टुडे को डैट डे में हम कन्वर्ट कर देते हैं, टू नाइट को डैट नाइट में, यस्टरडे को, द डे बिफोर या टुमोरो को द फॉलोइंग डे, नाउ देन द लास्ट वीक, ठीक है, नाउ को देन में कर देते, लास्ट वीक द वीक बिफोर द प्रीवियस वीक, ये सारे हम कन्वर्ट कर देते, तो इसको आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसे हम सब पहले देखते हैं। द टीचर सैड वियर योर मास्क प्रॉपरली, टीचर कहते हैं जो आप अपने मास्क को प्रॉपर वे में पहने, तो टीचर ने डायरेक्ट कह दिया, ठीक है, यानी टीचर ने कहा, टीचर कहते हैं, कहें तो द टीचर टोल्ड हो जाएगा यहाँ, अस किसे हम सभी को कहते हैं, टू वियर आर मास्क प्रॉपरली,
अमन सैड, अमन कहता है आई विल विजिट मॉल टुमोरो, मैं मॉल कल विजिट करूँगा, ठीक है। तो अमन सैड डैट ही वुड, यानी विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विजिट मॉल द नेक्स्ट डे। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर बताता है यू कैन मीट मी टुमोरो या टूडे, यानी आप आज मुझसे मिल सकते हैं। द डॉक्टर सैड डैट ही कुड, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे, मीट हीम डैट डे। मोहित सैड, मोहित सैड, तो उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो डैट लगाते हैं, ठीक है। तो मोहित सैड डैट आई कुड रीड वेन आई वॉज फोर, द ही कुड रीड वेन ही वॉज फोर। तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन था, राइट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि बेहद ही आसान से है। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, सोनू सैड टू हर फ्रेंड, सोनू अपने फ्रेंड को कहता आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे, मैंने बहुत सारे नए थ्योरी कल पढ़े हैं। तो सोनिया है, राइट, ये सोनिया है आपका, ठीक है। तो सोनिया सैड, तो क्या होगा, सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड, सोनिया अपने हर फ्रेंड को बताती है, ठीक है, डैट She had learned many new theories the day before, right? तो इसका ये कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ही प्रोमिस्ड आई विल कम्प्लीट माई असाइनमेंट, तो ही प्रोमिस्ड डैट ही वुड कम्प्लीट दिस असाइनमेंट द फॉलोइंग डे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, यानी हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो डैट लगाया, ठीक है। ही प्रोमिस्ड ही वुड, ठीक है, यानी आई, ये वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, विल वुड में चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ही सैड, सी सैड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, तो सी सैड डैट सी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर, सी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, रमन सैड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे, यानी रमन कहता वो मुंबई में संडे को रहेगा, ठीक है, होगा। तो रमन टोल्ड, यानी सैड की जगह पे हम जो टोल्ड हो गया, क्योंकि रमन डायरेक्ट कह रहा, ठीक है, और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डैट लगाएंगे, और ये ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे, राइट। मीरा सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मीरा बताती है जो मैं इंग्लिश फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मीरा सैड, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे डैट हो जाएगा, सी कुड स्पीक फ्लुएंटली, सी कुड स्पीक इंग्लिश यहाँ पे आप ऐड कर देंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, इंग्लिश मैंने ऐड करना भूल गया, ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट, सी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। डैड सैड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक, यानी डैड सैड, यानी डैड सैड हो जाएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट हो जाएगा, ही नीड, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इसका जो ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी इस टू, यानी वन टू आप कह सकते हैं इसको, जो है ना वन टू वन की तरह चलता है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब ये कैसे होता है ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे सी सैड, यानी डैड सैड डैट ही नीडेड, यानी ही नीडेड, यहाँ की यहाँ आई है ना, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही, यानी सी सैड डैट आई ही नीडेड टू, आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, नीडेड टू बी एट वर्क अर्ली डैट वीक, राइट। तो ये हमारा जो है ना ओवरऑल ये कन्वर्जन था, ये हमने कर दिया, ठीक है। आपको अगर लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।